तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल सागर सिंह एंटरटेनमेंट में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस मज़ा में तो होंगे ही, मुझे लगता है कि पक्का ही आप लोग मज़ा में होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूं, और ये भी अमित बड़ाना का ही वीडियो है, कॉमेडी वीडियो है, मज़ा आएगा गाइस। तो गाइस मैं जैसे कि पिछला वीडियो जो मैं इसके पहले जिस वीडियो का रिएक्शन मैं दिया था वो भी अमित बड़ाना का वीडियो था, वो पार्ट वन था और ये पार्ट टू है। तो गाइज इसके बाद भी एक पार्ट है, तो उसका रिएक्शन मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो चलते हैं और सेकंड पार्ट का हम लोग रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि कैसा वीडियो है गाइज। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, वीडियो ओपन करते हैं। वीडियो ओपन करने से पहले मैं बता दूँ गाइज कि बगल में रेड आइकन होगा, उसको आप क्लिक करके घंटी को दबा दें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलते हैं गाइस और वीडियो चालू करते हैं। एपिसोड वन में आपने देखा ये है तीन बेरोजगार बैचलर्स जो कि सकल से अमीर बिल्कुल भी नहीं लगते और वैसे भी नहीं है। गरीबी से आकर तंग, घर छोड़कर भागे बदलने जिंदगी के रंग। इन्हें नहीं पता था सामने खड़ी थी एक नई जंग। इनमें से ही एक बेरोजगार बैचलर की गर्लफ्रेंड ने कर दी इनकी शांति भंग। उसको निकालने का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं संग। एंड तक देखना वीडियो, इनकी हरकतें आपको करने वाली है दंग। यार तुझे क्या बताऊं, मुझे पूरे दिन इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, कभी इसको ऑर्डर दो कभी उसको ऑर्डर दो, और एक ही अमित के दो दोस्त इतने निठल्ले हैं ना, कुछ काम नहीं जानते हैं। अच्छा चल मैं तुझे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ यार मुझे तुमसे कुछ। हेलो क्या, कैसे, पर क्यों? चल ठीक है मैं करती हूँ कॉल। यार मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता है। अरे तो मैं बताती हूँ ना। मत बताओ, मत बताओ। इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। मेरी एक दोस्त को उसके तीन दोस्तों ने किडनैप कर लिया। क्या किडनैप? अरे ऐसा उसने पुलिस को बताया। लेकिन क्यों बताया? अरे उसकी फैमिली ने ना उसे रंगे हाथों उन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए पकड़ लिया था, और घर पे बोल के गई थी कि जागरण पे जा रही है। अब तुम सोचो अगर मेरी फैमिली ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मुझे भी तो कोई बहाना बनाना पड़ेगा ना। जरा सोचो। मुझे ना एक मिनट का बहुत जरूरी काम आया, मैं भी आ रहा हूँ। यार यू तो गर्लफ्रेंड ही मेरी आज वकील बन गई, वकालत झाड़ रही है। क्या करें, कल की आई लौंडिया हम दोनों निठल्ला बोल के चली गई, और तेरे को जवाब भी ना बनो। अरे जवाब तो उसे मैं दे देता, लेकिन सच बोला उसने। का सच बोला है? और कैसे पुलिस से पिटवा देगी? हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, तुमने बताया नहीं उसको? एक मिनट दो अभी है। हम बैचलर लोंडे किसी से ना डरते हैं, काम ऐसे करते हैं, खुला खावे नंगा नावे और मार के भाग जावे। मार के भाग जावे। तुम तो अपनी मर्जी से आई हो ना यहाँ। अरे अमित मुझे पता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तुम्हें पता है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन पुलिस को कैसे समझाएंगे? समझाएंगे सीसीटीवी के जरिए समझाएंगे, सीसीटीवी है ना। ओफो अमित तुम्हें याद नहीं है सीसीटीवी तो 3 महीने पहले ही खराब हो गया था और तुमने सही भी नहीं कराया। एक मिनट कुछ काम आ गया, आता हूँ। अब क्या करना है? ठीक है मकान मालिक ने भी कुत्ता की तैयारी कर रखी है, या ना इतना बढ़िया घर बना के दिया पर सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा खराब है। चुप, सीसीटीवी खराब है मुझे पता ना तुम दोनों ने खराब करे, तुम्हें क्या जरूरत थी सीसीटीवी पर गीले कच्चे टांगने की? वो हमने तो खाली धोके सुखाया था, कच्चा तो तुम्हारा था ना। ए सारे का सारा क्रेडिट मत ले भाई, के कच्चा मैं दूं सारे के सारे। ए तुम बनियान धोते हो, तुम कच्चा कच्चा हम धोते हैं। कम बोल, कच्चा मैं धोता हूं भाई सारे के सारे। अरे झूठ बोल रहा है, मैं मार देता हूं। ये कहां से आ गए दोनों, सर्कस से छूट के मेरी छाती पे चढ़ गए। सर्कस से छूट के एक तो ये खराब यार, ऊपर से वो लेके बैठी है हथियार। करूं तो करूं क्या यार, कुछ सॉल्यूशन निकालो। अबे क्या सॉल्यूशन, अबे 3-5 कर रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अब तो धमकी देने लगी है पुलिस पुलिस की।
अबे गर्लफ्रेंड है कि गैंगस्टर वैंगस्टर है? ऐसा है मर्द बनो और जाकर मुंह पे बोल दो उसको कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो हमारे घर से। अरे हमारे पास खुद खाने का पैसा नहीं है, उसको कहाँ से अफोर्ड करेंगे हम लोग? भाई बात ब्लैकमेल कर रही है, मेरी मर्दानगी पे सवाल मत उठाओ दोनों। अब खुशी का माहौल छाएगा, अब नया इतिहास रचा जाएगा। पॉपकॉर्न भी बना लेता हूँ, देखने में मजा आएगा। चार दिन नहीं रख पा रही, जिंदगी भर क्या रखोगे तुम मुझे? अरे मेरी सुनो तो। हटो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो ना, पहले ही बता देते। ऐसे तो एग्जाम की तैयारी में पूरे धूम धड़ाके से करके आया था, मुझे नहीं पता था मेरे नालायक दोस्तों ने मुझे आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया है सब कुछ। वाह तेरी सेटिंग ने मगरमच्छ के औसु कहा भाई, तू सारी मर्दानगी भूल कर यहाँ आके बैठा ऊपर। अरे जब भाई कुछ पूछ रहा है तो जवाब काहे नहीं दे रहे हो, इका फोन में घुसे हुए हो तुम? अबे गेम खेल रहा हूँ मैं। वाह शाबाश, गेम खेल रहे हो, हमारी जिंदगी झंडो रखी और तुम गेम खेल रहे हो? चुप, जिंदगी झंडो रखी पूरे दिन ऐसे जैसे सर्कस चल रहा हो ऐसे नाचते रहे मैं। अबे जो तुम खाना खाते हो, लेटते हो, जो ये मैंने फोन ले रखा है किस्तों पे, कहीं ना कहीं से तो इनका पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा ना, तो गेम खेल के कुछ पैसे कमा रहा हूँ। ये देखो MPL है, इसके अंदर बहुत सारे गेम है, कोई भी गेम खेल और रियल मनी जीत जा। अब देख मैं खेल के दिखाता हूँ तेरे को, ये है रनर वाली गेम, ये ले जीत गया 2500 रुपए। एक बात बताओ हमको, ये जो तुम 2500 रुपए जीतो ये हम लोग के पास कैसे आएगा? अरे वही है ना, पढ़े लिखे गवार कुछ भी बोलता रहे, सीधा पेटीएम और UPI के थ्रू लाएंगे अपने अकाउंट में। अरे वो तो ठीक है, पर वो नीचे बैठ कर रो रही आवाज तो शांत कर ले। अरे यार बड़ी मुसीबत है। अमित की सेटिंग कहाँ कह रही है इंग्लिश में? This love is so pure. अरे अंग्रेजी फिल्म लगा रखी है यार, सूर्यवंशम फिल्म आ रही होगी सेट में, बहुत मन है मेरा देखने को। Yes, अफसोस, of course. Emotional. देखना कैसे खिला रहा है उसको, कभी हमको तो खिलाया नहीं ऐसे। खाओगे? तो कुछ बनाओ ना। यहाँ बैठे हो दोनों चिड़िया करके बंदर, देख रहे हो ना भाभी तुम्हारी कितनी परेशान है। चलो मैगी बनाओ दोनों। ये तुम बैचलर्स और स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है? ब्रेकफास्ट में मैगी, लंच में मैगी, डिनर में मैगी, हर टाइम मैगी। आज मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी, हेल्दी और टेस्टी। ओके फर्स्ट टाइम किचन में गई है, देखो क्या होता है। अबे हाथ धोने का आयो। अरे रुको, इसे पीते हैं। ये है मेरा स्पेशल टिंडे का सूप। टिंडे? टिंडा? एकदम ग्लूटेन फ्री, फैट फ्री और स्पाइस फ्री, टेस्ट फ्री भी। चुप रहो, मैगी खा के ना इन दोनों ने तुम्हारा टेस्ट खराब कर दिया है। पता है ये मेरे पापा का फेवरेट सूप है। तुम्हारे पापा तो झूठ, क्यूट, बहुत क्यूट है, बिल्कुल आप पर गए हैं। मेरे पापा का ना जब भी पेट खराब होता है ना मैं यही बनाती हूँ। दिमाग तो खराब ना होता उनका। अमित पियो। मैंने तो गंदा कर दिया। पियो पियो ना। फंस गया अमित, पियो वरना इस घर से निकल जाओ। कितना अच्छा बनाती हूँ मैं खाना। इनसे मिलिए, ये है मकान मालिक, इनका और हमारा रिश्ता टॉम एंड जेरी। मकान मालिक एंट्री हो चुका है बॉस। 3 महीने से किराया नहीं दिया। ए गेट कॉल। मकान मालिक गेट कॉल साहब आपके जा रहा है। अरे अमित कहाँ हो? पुत्र शुक्रवार के दिन किसी के भी घर में ना घुसे। यहाँ बैठा हुआ है भाई, आज तो शनिवार है, शनिवार को तो बिल्कुल भी ना घुसे।
अगले 5 दिनों तक किसी भी बैचलर से पैसे मांगना दंडनीय अपराध है। क्यों? सारा क्षेत्र अपना खास है, जो हमारी बात ना माने उसका विनाश है। अच्छा, शाबाश शाबाश बाबा, आप धन्य हो बाबा, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई बाबा। आपने कहा था कि तेरी साइकिल के टायर की ट्यूब 3 दिन में मिल जाएगी बाबा, 2 दिन में मिल गई, साइकिल के टायर में ही थी। बेटा बाबा की कई बात और सत्य प्रकाश का साथ नसीब वालों को मिलता है। सत्य प्रकाश कौन बाबा? अब मैं ही हूँ सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश बाबा की जय। सत्य प्रकाश बाबा की जय। चल बेटा साइकिल चला, एंजॉय कर, हम अपना विनाश नहीं करेंगे। सत्य प्रकाश बाबा की जय। सत्य प्रकाश बाबा की जय। जैसे मकान मालिक को भगाए ना, वैसे अपनी इन मालकिन को भगा दो। कैसा ये बेरोजगारी का खेल, बनी पड़ी है मेरी रेल, अपने ही घर में ऐसे पड़ाऊं जैसे हो ये जेल। ए ऊपर वाले, मेरा ना हो रहा, मेरी सेटिंग्स है मेल। मेरे पास एक प्लान है। का प्लान? सिंघम अजय देवगन सर से कुछ याद आ रहा है? हमने वीडियो करी थी ना अजय देवगन सर के साथ। अरे उसके आसपास कुछ याद आ रहा है? उससे जस्ट पहले हमने अक्षय कुमार सर के साथ करी थी, दोनों के साथ यार काम करके मजा आ गया था। अरे मैं स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा स्कॉर्पियो। मेरे बुआ के लौंडा को मिली थी हमें। अरे मैं पुलिस की वर्दी की बात कर रहा हूँ यार। तो सीधा सीधा काहे नहीं बोल रहे हो, इतना घुमा कर रहे हो? है दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, मेरठ, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा ले। अरे पॉइंट की बात सीधा बोलो कि पुलिस की वर्दी। अरे मेरी बात सुन, मैं फर्जी पुलिस वाला बन के आऊंगा और 2-4 कानून की धाराएं ऐसी मारूंगा जिससे वो डर जाएगी। सॉरी सर, प्लीज पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। कैसा लगा मेरा प्लान? प्लान बना रहा है भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। विकास, ये तो विकास जैसे लग रहा है। जान गई भाई। को पता है तुम्हें, वो हो गया जुकाम, डॉक्टर के गया वो। विकास थोड़ी है ये, विकास जैसे थोड़ी लग रहा है। एक चेहरे के 7 लोग होते हैं इस दुनिया में। अभी देखो, अब लग रहा है ना विकास, लेकिन असल में तो ये हवलदार साहब है। हवलदार? सब इंस्पेक्टर पेलू चंद। हाँ जी इंस्पेक्टर पेलू चंद सर। इंस्पेक्टर पेलू चंद, चल खड़ा हो, पानी लेगा, चल एक गिलास। ज्यादा एक्टिंग कर रहा है भाई, कतई कैरेक्टर में घुसा पड़ा है। पानी ला, घुस चुका है भाई। ये भी घुस चुका है, आंख मार रहा है। घूरा मत ना, तेरी औखा ने फोड़ दूंगा, चल पानी ला। तो मैडम ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। और आप रह कब से रहे हो यहाँ पे? 4 दिन। वैसे मैडम इन नकली लोगों से संबंध क्या है आपका? गर्लफ्रेंड। कजन है। कजन है मिश्रा जी की, मेरी गर्लफ्रेंड है। बदकिस्मत, इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी भी नहीं। क्या? अरे वो कुछ नहीं, कुछ टिपिकल केसेस हैं, उनकी याद आ गई थी। ज्यादा भावनाओं में मत ना बह गए। वो सब छोड़ो, मेरे पास एक कंप्लेंट आई है कि आप इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रही हूँ और मेरी एज लीगल है। लीगल इलीगल कुछ नहीं होता, आप इलीगल रह रहे हो यहाँ पे। जो ये बेरोजगार यहाँ पे रह रहे हैं बेचारे, तैयारी कर रहे हैं देश का भविष्य युवा, आप उनसे सारा घर का काम कराती हो, वो सारा इलीगल ही तो है। पार्ट टाइम में ज्योतिषी का काम भी करता हूं सब खुद। मैडम आप मेरी बात समझो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, कम्युनिटीज, एक्स वाई जेड, जो भी उसमें धाराएं होती है ना, उनमें एक चार्ज होता है 889। अगर आपके ऊपर मैंने वो चार्ज कर दिया, आप सीधे 6 महीने के लिए जेल हो जाएगी। आपको क्या बोलने जा रहा है? ये आईपीसी और सीआरपीसी की तो धारा सुनी थी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री कब आ गया? समझ गई, तुम फ्रॉड हो, फ्रॉड, और ये वर्दी भी नकली है। हाँ भाभी आप तो ज्योतिषी भी हो। ज्योतिषी भी हो बाबू? इसका ये दोस्त जो है ना, मतलब आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप चले जाएं, हम लोग आपस में बात कर लेंगे, हम खुश हैं यहाँ पे। रुको अमित, इन्हें बताओ मेरे फूफा जी कौन है? एक नंबर के चोर हैं। अमित मतलब विधायक जी। समझे, उन्हें अभी कॉल करती हूँ, तुम्हारी ये वर्दी उतरवाती हूँ और तुम्हें जेल की चक्की पिसवाती हूँ। रुको। तेरे को बीच में बोलने की किसने परमिशन दे रखी है? बात कर रहे हैं ना 3 बड़े लोग, छोटे लोग बीच में आके इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाबू मैं संभालता हूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है, मैं सब देख लूंगा, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुको अमित,
इनको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे रुको तो, तुम यार किसी पे कॉल नहीं करोगी यार, ऐसे कैसे समझा बेचारा। भाभी तुम फोन करो अपने फूफा को। रुको, तुम्हें बाबू मेरी कसम है अगर तुमने किसी को फोन किया मैं बात कर लेता हूँ। चलो चलो इंस्पेक्टर साहब। ये जो है ना भाई गजब का है ये। वैसे एक बात बोले, जो बैठा हमको तो लगता है कि आपको अपने घर चले जाना चाहिए। चेती नहीं है हमारी तो इधर। अबे कैसी कैसी प्लानिंग बनाओ फिर उसी प्लानिंग में खुद ही फंस जाओ। तुम्हारे आपस के ही कलेश ना खत्म होके देते हैं, मुझे और फंसा दो बीच में, मेरी सेटिंग टूटवाओगे तुम। अब मैं जा रहा हूँ और मेरे पास एक प्लानिंग मत लेके आ जियो, मैं अपना चुप लौट के खेलूंगा MPL। अबे उसमें 40 से ज्यादा गेम है, अब खेलूंगा WCC। अभी देख थोड़ी देर पहले पैसे जीता हूँ, अब दोबारा जीतूंगा, कोटी लूंगा, कार लूंगा, तुम लोगों को तो मुंह भी ना लगाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, मजे लूंगा। देखो भाई गिला सिकवा खत्म करते हैं। हमारे पास एक प्लान है, ये तो मजनू आदमी है, इसको छोड़ो, इसके बस की कुछ नहीं है। हम नींबू पानी बनाएंगे, उसमें मिलाएंगे जमाल गोटा, उस जमाल गोटे को पिलाएंगे अमित की सेटिंग को, फिर वो पिएगी, फिर उसका होगा पेट खराब, वो जाएगी वॉशरूम, वॉशरूम से जाएगी अस्पताल, और अस्पताल से अपने घर। देखते हैं ये प्लानिंग में क्या होता है। कैसा लगा प्लान? प्लान तो मस्त है यार। ले गया भाई। वैसे क्या प्लान था? अब प्लान तो गया तुम्हारे पेट में। ये पेट में कैसी आवाज आ रही है? कोई मुझे ये समझाएगा कि मुझे असली दिक्कत मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा दे रही है या ये मेरे दोनों दोस्त। एपिसोड 3 में इन सब की बुद्धि टेक कर दूंगा, देखते जाओ आप। तो गाइस वीडियो तो भाई कमाल का था यार, कुछ नहीं कहना है इसके लिए, मुझे बस इतना ही कहूँगा कि बस कमाल का था, और आप जरूर देखेंगे ये वीडियो और बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे जहाँ तक के लगता है कि जो इसका फर्स्ट एपिसोड था उससे ज़्यादा ही अच्छा था सेकंड एपिसोड। और गाइस थर्ड एपिसोड भी है, थर्ड एपिसोड भी मैं अगले वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा अगले वीडियो आपके पास आए और आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय गाइस, जय हिंद।